दोस्तों ये है भारतीय राज्य कर्नाटक का बड़ा ही खूबसूरत शहर बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक राज्य की प्रशासनिक राजधानी होने के साथ राज्य का सबसे बड़ा शहर है। साथ ही यह शहर अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं व मस्ती भरे माहौल के लिए जाना जाता है। वर्तमान समय में बेंगलुरु शहर काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। इस शहर में देश विदेश की कई फेमस कंपनियां अपने पंख फैलाए हुए हैं, जिससे बेंगलोर शहर भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और देश का आईटी हब भी माना जाता है। दोस्तों बेंगलोर शहर की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये शहर कर्नाटक राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में समुद्र तल से 920 मीटर की औसतन ऊंचाई पर स्थित है। बेंगलोर शहर के उत्तर पूर्व में कोलार जिला, उत्तर पश्चिम में तुमकुरु जिला, दक्षिण पश्चिम में मांड्या जिला, दक्षिण में चामराजनगर जिला और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु राज्य स्थित है। वहीं बेंगलोर शहर की इकोनॉमी पर नजर डालें तो पिछले कुछ दशक से इस शहर का आर्थिक प्रारूप पूरी तरह से बदल चुका है, जिससे इस शहर की जीडीपी 115 बिलियन यूएस डॉलर है, जो भारत देश की जीडीपी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। 741 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला बेंगलोर शहर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कर्नाटक राज्य का पहला और भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। वहीं इस शहर की वर्तमान आंकड़ों के अनुसार आबादी लगभग 1 करोड़ लोगों की है, जिसमें शामिल यहां पर 60% आबादी प्रवासी लोगों की है। वहीं आबादी के मामले में बेंगलुरु शहर भारत का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। साथ ही बेंगलुरु शहर के लिंगा अनुपात की बात करें तो इस शहर में 1000 पुरुषों पर 991 महिलाओं का लिंगा अनुपात पाया जाता है। दोस्तों वहीं बेंगलोर शहर अपने हरियाली भरे माहौल व सुहाने मौसम के लिए काफी ज्यादा खास रहा है। यहाँ की लोक संस्कृति से इस शहर को भारत का उद्यान नगर के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर शहर में आपको सभी रिलीजन के लोग खुशी खुशी रहते मिल जाएंगे। वहीं यहाँ के परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 80.29% हिंदू, 12.97% इस्लाम, 5.25% ईसाई, 0.68% जैन और 0.52% अन्य धर्मों के लोग इस शहर में निवास करते हैं। दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि बेंगलोर शहर का इतिहास 890 ईस्वी पूर्व का है। उस समय इस नगर को कल्याणपुर या कल्याण के नाम से जाना जाता था और यह क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। वहीं बाद में बेंगलोर शहर पर मुगलों और अंग्रेजों ने कई सदियों तक शासन किया है। यातायात के माध्यम से देखें तो बेंगलोर शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग जैसे मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग बेंगलुरु शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन व बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन है, जिसको क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों की सूची में आता है, जो अपने रेल मार्ग के द्वारा देश के कई शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग बेंगलुरु शहर से होकर कई बस टर्मिनल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनकी सहायता से कई शहरों को आसानी से पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग वहीं बेंगलोर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो इंडिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्टों में से एक है। यहां से आप रोजाना कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं बेंगलोर शहर के कुछ खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में, जो इस शहर की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल बेंगलुरु पैलेस, कब्बन पार्क, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नंदी हिल्स, उल्लसूर झील, इनोवेटिव फिल्म सिटी, जवाहरलाल नेहरू तारामंडल, लालबाग बोटानिकल गार्डन जैसे कई खूबसूरत पर्यटन स्थल इस शहर में मौजूद हैं, जिनकी सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।